मैं जब कृषि मंत्री बना माननीय सभापति महोदय, तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए हैं उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले की प्राचीर से। मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। ये आपकी प्राथमिकता है माननीय सभापति महोदय। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदि नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े, 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी। 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े, 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देख, किसान का नाम, खेती को प्राथमिकता। और माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे वही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार आता है।